हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं तीशम फ्रॉम तीशम व्लॉग्स एक बार फिर हाज़िर हुई हूँ। मैं आपसे दो तीन बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद वो उस चीज़ से गुज़र रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि उस सब के बारे में आपको भी पता लगे। क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर्स हैं इस फील्ड में भी बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जो मतलब जिनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है या कुछ। अब मैं उसी के बारे में आज बात करूँगी। जैसे अगर मतलब सपोज़ कि अगर हम जैसे अगर कुछ भी चीज़ डाल रहे हैं, सबसे पहले हमें एक व्लॉगर बनने के लिए एक पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर पेशेंस नहीं होगी ना, तो फिर हम मतलब वो जो हमने सोचा है वो वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। क्योंकि मतलब बिकॉज हम समझ लो एक अगर वीडियो डाल दें, है ना, दो तीन चार डाल दें, लेकिन चार के बाद कहीं किसी टाइम हमें सोचा जाएगी कि नहीं यार ये क्या हम कर रहे हैं, या इसका हमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, या बहुत टाइम लग जाएगा, पता नहीं होएगा भी नहीं होएगा। तो बस उसी के लिए मैं पेशेंस, क्योंकि पेशेंस पेशेंस एंड पेशेंस, क्योंकि अगर हम सब्र करेंगे तो हमने सुना भी है ना सब्र का फल मीठा होता है। तो मैंने मेरी कितनी बहुत सारे व्लॉगर्स से बात भी हुई कि उन्हें लगता है क्योंकि अगर इजी हो जाएगा फिर तो ये जॉब हर कोई कर लेगा, ये भी एक तरह से काम है, ऐसे काम ही समझो। तो अगर मतलब अगर हम एक दो करके वो स्टॉपेज ले लेते हैं कि नहीं यार एक दो से तो हमारे हुए नहीं जो हमें नीड है, मतलब जैसे सब्सक्राइबर्स, मैं बोलूँगी नहीं यूट्यूब पॉलिसी को, पर जिन लोगों को पता है जो ये काम करते हैं कि कितने से कितना अमाउंट क्या, वो सब चक्कर जो है जब तक हम वो पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक कैसे हो पाएगा ना। और अगर हम मतलब इजी सोच के करें कि हाँ दो तीन से हो जाएगा तो वो तो फिर सब कर लेंगे, है ना, फिर तो मतलब फिर उनकी पॉलिसी वो जो उनके मतलब ये तो वही है कि जिसमें कैलिबर होगा वो पेशेंस का या फिर बोलने का, जो कैमरा कॉन्शियस नहीं होगा। अगर आप भी कैमरा कॉन्शियस नहीं है, बोलने से डरते नहीं हैं, तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि हम बहुत सारे व्लॉग्स करते जाते हैं। सपोज अगर मैं अपने एग्जांपल लूँ, मैंने 10 व्लॉग्स तो कर लिए होंगे ना, तो अगर मेरे सब्सक्राइबर्स 100 हुए हैं, तो अगर मैं इसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से देख सकती हूँ। अगर हम पॉजिटिव देखेंगे तो हमारे लिए फ्रूटफुल हो जाएगा, अगर नेगेटिव देखेंगे तो बस ख़त्म, बैठे रहो। अब इन सब चीज़ और कई लोग ना, एक मैं ये बात करना चाहूँगी, क्योंकि कई ये तो सिर्फ 10-15 मिनट्स हैं जो हम शेयर करते हैं, पूरा लाइफ स्पैन तो नहीं है ना, मतलब फुल डे तो नहीं है ना। पर कई लोग ऐसा मतलब सोच लेते हैं बहुत सारे कि शायद इनको पूरा दिन कोई काम ही नहीं है तो यही करते रहते हैं। पर मैं आपको एक बार बता दूं प्लीज़ कि ये सिर्फ 15 मिनट्स हैं जो मैं आपके साथ शूट करती हूँ, बाकी जो मेरा पूरा रूटीन है वो तो मुझे ही पता है या मेरी फैमिली को पता है ना। तो प्लीज़ आप जज मत कीजिए, मतलब हर किसी को अपना काम करने दीजिए ना, हर कोई मेहनत करता है, हर किसी का इंटरेस्ट होता है, मतलब हर किसी, चाहे दुनिया में कोई भी काम है, बड़ा छोटा नहीं होता, हर कोई काम स्ट्रगल से ही होता है। और हम इसे स्ट्रगल भी सोच सकते हैं कि ठीक है हम लोग भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैंने मतलब सुना नहीं, मैंने मतलब देखा भी है, मेरे जो भी जहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन गेन करी हैं, यूट्यूब से हो गई या कहीं से हो गई, उस सब से मुझे दिखता है कि हाँ, जब मैं देखती हूँ कि इससे सबसे ज़्यादा इनकम किसने कमाई है, इसका ये सब, तो हाँ दिखता है, वहाँ उनकी अमाउंट देख के तो हम हैरान ही हो जाते हैं। चलो वहाँ तो पहुँचना बहुत दूर की बात रही, मतलब बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट हम अपनी एक पहचान तो छोड़ ही रहे हैं ना, मतलब लोग हमें जानते तो हैं। अगर मुझे अब जैसे अगर मेरे 100 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं तो वो लोग मुझे जानते हैं ना, तो वो लोग, मेरी फैमिली तो थोड़ी बड़ी रही है ना। तो मैं यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ उनको जज मत कीजिए, जो भी व्लॉगर्स हैं, और जो नए व्लॉगर्स हैं उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि प्लीज़ पेशेंस रखिए, कि सब कुछ पेशेंस के साथ ही होता है। मैं फिर बोलूँगी सब्र का फल मीठा होता है। और मैं अगर आपको इससे बात करूं, अब कहीं कहीं जाना पड़ता है, हमें वो टाइम निकालना पड़ता है, वो सब मतलब करना पड़ता है, एक छोटे से व्लॉग के लिए करना पड़ता है। पर जब मतलब जो चीज़ें, जो दिक्कतें आती हैं वो तो हमें ही पता है कि क्या दिक्कतें आती हैं। कई बार कई लोगों को ये चीज़ें पसंद आएँ, कहीं नहीं पसंद आए, कुछ अच्छा भी बोलेगा। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मेरा एक कज़न है बहुत छोटा, वो मतलब बहुत छोटा है, मतलब हम एक तरह से सोचते हैं कि उसको इतनी समझ नहीं होगी, अंडर 18 ही है। उसने मुझे स्पेशली ये आके बोलता कि आप ये करना मत छोड़ना, चाहे आपको रिश्तेदार होगे, चाहे फ्रेंड्स होगे, कोई भी बोले कि ये क्या काम अब करने लग गई है, इग्नोर करना,
लेकिन आपने अगर एक बार ही स्टार्ट, क्योंकि स्टार्ट ही जहाँ से हम करते हैं ना वही मुश्किल होता है, और जब हमने स्टार्ट कर लिया वो बोलता है प्लीज़ आप मतलब इग्नोर करना और रुकना मत, अब कर ही जाना, चाहे इसके लिए आपको साल लग जाए, दो साल लग जाए कि मोनोटाइज मेन होता है आपको पता ही है उस चीज़ के लिए, लेकिन रुकना मत, प्लीज़ करना। और मैं सच्ची मैं उस बंदे की रिस्पेक्ट करती हूँ कि इतना छोटा है और वो हर एक काम को इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, उसको नॉलेज है। तो मुझे ये भी पता है कि शायद यहाँ इंडिया में नहीं लेकिन बाहर इसके सब्जेक्ट्स भी होते हैं, व्लॉगिंग सब्जेक्ट्स भी होते हैं, उनके मतलब प्रॉपर कंटेंट उनको सिखाया जाता है कि कैसे शूट करते हैं, क्या क्लासेस होती हैं, डिग्रीज होती हैं। तो हर किसी भी काम को यार छोटा मत समझो, मैं यही बोलूँगी। तो हर काम की रिस्पेक्ट करो, अगर मैं कुछ कर रही हूँ हम कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हैं यार अपने। और मेन मुझे फैमिली का सपोर्ट है, हम लोग सारा एक साथ ही मिलजुल के कर रहे हैं। तो हर चीज़ की रिस्पेक्ट करो और हर चीज़ को इन्जॉय करो, पॉजिटिव देखो। प्लीज़ ये गॉसिप करना और ये करना ये तो बहुत ईजी है, मैं अपने लिए नहीं बोल रही लेकिन सब व्लॉगर्स के लिए बोल रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि शायद इन चीज़ों की दिक्कतें रही होंगी, क्योंकि जो मैं फ़ेस करती हूँ वो हर किसी ने फेस, कोई हर कोई करता ही होगा। तो और मुझे अच्छा लगा कि आप मेरे व्लॉग्स को इतना प्यार दे रहे हैं, तो मैं मतलब मुझे अपने आप को लकी मानती हूँ कि अगर मेरा एक भी मतलब मुझे अच्छा लगता है, एक भी लाइक अगर मैं देखती हूँ ना, मेरी अब हैबिट बन गई है कि मैं दो मिनट बाद अपना यूट्यूब चेक करती हूँ कि कैसा सब जा रहा है। तो मुझे अच्छा लगता है कि अपनी व्लॉगिंग सारे देख के कि हाँ कितने लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, व्यूज़ आते हैं। एक प्लीज़ इन चीज़ों से डीमोटिवेट कभी मत होना, बिकॉज़ क्योंकि हम अगर पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे जो आसपास का माहौल है हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि एक बार ही कोई किसी को जज करेगा, जब हम लोग उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे तो अपने आप उनकी उनकी थिंकिंग, उनके ओपिनियन सब कुछ चेंज हो जाता है, ये तो मैंने देखा है। एंड वन थिंग मोर कि हाँ हर चीज़ को, कोई भी बिज़नेस खोलने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तो यूट्यूब के लिए भी इन्वेस्टमेंट्स है, चाहे वो हमें कहीं जाना पड़े, चाहे कार पेट्रोल हो, छोटी छोटी बड़ी बड़ी सब कुछ होता है। मैं ये सब न्यू जो है व्लॉगर्स उनके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी बिगनर हूँ तो बिगनर नोज़ बेटर। तो मैं यही बोलूँगी कि आप, और मैंने आपने मेरा उस जो मैंने इंटरव्यू करा था उसको भी बहुत प्यार दिया, उसका मैंने वो एपिसोड 1 था स्ट्रगल टू सक्सेस का, बहुत जल्द मैं सेकंड एपिसोड भी लेके आ रही हूँ स्ट्रगल टू सक्सेस का, किसी और के साथ इंटरव्यू मतलब मेरे हो गई है ऑलमोस्ट, बस एडिटिंग कुछ काम चल रहा है, जैसे ही वो पूरा हो जाता है तो मैं वो भी जल्दी अपलोड करूँगी। मुझे उम्मीद है आप उसको भी उतना ही प्यार दोगे जितना पहले वाले को दिया था। और अगर कुछ भी है, कोई कमियाँ खामियाँ आपको मुझ में लगती हैं या मेरे व्लॉग्स में लगती हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि मैं पॉजिटिव वाइब देती हूँ, आपको मेरी वाइब आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि कोई भी आपका व्लॉग मिस नहीं होना चाहिए, हमेशा नोटिफिकेशन जो भी मैं चीज़ डालूँ फट से नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग फट से देखो। और हाँ लाइक भी ज़रूर करना, कमेंट में बार बार बोल रही हूँ सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे ना तो उससे हमारे लिए भी बहुत मतलब बेनिफिट मिल जाता है हमें। तो हाँ कहीं हम होते हैं कि कहीं देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं बार बार बोलूँगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको मेरा वाइब या मेरे व्लॉग अच्छे लगते हो। और जो वीडियो भी जो कंटेंट हम आपको देते हैं उसको भी प्लीज़ पूरा देखा करो, क्योंकि हम लोग का कई बार हैबिट होती है, हम ना वो 10 सेकेंड्स फॉरवर्ड करके देख लेते हैं या आधी देख के छोड़ लेते हैं, तो क्योंकि अगर आप पूरी देखोगे ना उससे मुझे भी थोड़ा फ़ायदा होगा, तो प्लीज़ आप वो भी पूरी देखा करो, उससे वॉच टाइम भी प्रॉपर इंक्रीज़ होता है। तो जो नए व्लॉगर्स हैं वो भी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, हर कोई कर सकता है, तो प्लीज़ एक मतलब एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बिगनिंग लाइफ के साथ आपको मोटिवेट भी करूँ। आप प्लीज़ अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, आपको मुझसे बात करना अच्छा लगता हो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तीशम फ्रॉम तीशम व्लॉग्स, बाय बाय।